हजरत, इस वक्त हम और आप सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस स्कूल के टीचर ने इस मुल्क के अमन पर कदम लगाया, इस मुल्क के अमन को तोड़ा है। इसलिए हम सब अपनी इस हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे शख्स को कानूनी कार्रवाई में लिया जाए और इसको मुल्क में कहीं भी टीच करने की इजाजत न दी जाए जो मुल्क के अमन को तोड़ता है। और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। जो हमारे मुस्लिम टीचर अंदर हैं वो बेगैरत हैं, उन लोगों ने भी इलाके के अमन को तोड़ने में हिस्सा डाला है, उनको भी कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। बेशक मेरे भाइयों, ये पूरी दुनिया का कानून है कि किसी के भी लीडर की डिसरिस्पेक्ट ना की जाए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा जाअकुम करीम कौमिन फअकरिमू, किसी कौम का लीडर जब आए तो उसका रिस्पेक्ट करो, किसी भी कौम का। तो हर कौम के लीडर का रिस्पेक्ट क्यों है? ताकि समाज का अमन नगारत हो। और इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो किया है, हम बहुत दुखी हैं। हमारा पूरा समाज, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम, नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान जो यहाँ बसते हैं, जिनको जिनको भी खबर मिली है, सब दुखी हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी हुकूमत इस पर बहुत कायदे से स्टेप लेगी और बहुत ही मुस्तहकम कार्रवाई करेगी ताकि फ्यूचर में इस किस्म का मामला ना उठ सके। नबीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वो है कि एक मुसलमान वो यही जज्बे अकीदत रखता है कि या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पर जा फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और ऐसे लोगों को भी हम कंडम करते हैं जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिख दिया कि उनको जो नॉलेज है वैसी नॉलेज तो बच्चों को है, पागलों को है, जानवरों को है। हम उन लोगों को भी कंडम करते हैं कि वो भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग जो उनके फॉलोअर है वो तौबा करें और सच्चे दिल से तौबा करके मुस्तफा के इश्क से वाबिस्ता हो जाए। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, मौला तेरे महबूब करीम ने फरमाया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, बंदा जहां रहता है, जिस मुल्क में, जिस इलाके में, उसकी तरक्की के लिए कोशिश करता है, उससे मोहब्बत ये ईमान का जुज है। हम यहां यूके में हैं, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क की तरक्की और फरोग के लिए हम दुआ करते हैं और इस मुल्क के अमन को, सुकून को जो गारत करते हैं, उनके गारतगरी के लिए भी हम दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको मुस्तफा करीम की सच्ची मोहब्बत में जीने का सलीका अता फरमाए और इसी मोहब्बत में हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।